Istanbul following deadly clashes. Now a 12-member Samajwadi Party delegation is all set to visit the violence hit area today itself. This delegation is being led by Uttar Pradesh's Assembly Leader of the Opposition, Mata Prasad Pandey. The visit comes amid strict prohibitory orders and a ban on the entry of outsiders without prior permission. Meanwhile, Samajwadi Party's Chief Akhilesh Yadav also posted on his social media platform X, and I quote those lines here, that peace will come by taking everyone into confidence, not by detaining anyone. The Uttar Pradesh government should take appropriate steps to restore peace and not provoke anyone. Javed continues to stay on with us on the broadcast over this development as well. Javed ji, jab yahan par prohibitory order diye gaye hain ki without permission koi bhi yahan pe nahi ja sakta, aise mein agar Samajwadi Party ki ye 12 logon ki team wahan pe pahunchti hai to kya ye bhadkane wali ek activity nahi kehlayegi? देखिए, कल भी आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली से निकले थे संभल जाने के लिए, लेकिन उनको हापुड़ में रोक लिया गया। कहीं पर भी हिंसा या बवाल होता है तो उस वक्त पुलिस की कोशिश यही होती है कि जो राजनीतिक दल या उनके नेता हैं उनको किसी तरह से वहां पर ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि स्थिति और ख़राब होने की आशंका रहती है। यही वजह है कि कल चंद्रशेखर को रोका गया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो संभल जाएंगे, लेकिन वो किस तरह से पहुंच पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि संभल के आसपास सब पुलिस तैनात है और पुलिस की कोशिश यही है कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्तित्व यहाँ पर आता है तो उससे दिक्कत ना हो, संभल की कानून व्यवस्था पर फिर से कोई दिक्कत खड़ी ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस इजाज़त देगी, क्योंकि कल भी चंद्रशेखर आज़ाद को रोका गया था, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का आना। लेकिन ज़ियाउर रहमान बर्क उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो इलाके के सांसद हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या स्थिति बन पाती है, क्या समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आएगा तो ऐसे में, और अगर आता है तो क्या स्थिति बनेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि संभल में शांति रहे, कोई राजनीतिक दल आकर किसी तरह की कोई बात ऐसी ना कहे जिससे कि स्थिति और ख़राब हो। जी जावेद जी, हमसे वो सभी जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम फॉर अ क्विक कमर्शियल ब्रेक हियर ऑन CNN न्यूज 18। डू स्टे विद अस, विल कम राइट बैक विद मोर न्यूज एंड अपडेट्स राइट ऑन द अदर साइड।